दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत समय लगता है और किसी को तो मिलती भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपने देखा ही होगा, कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम किए और वे लोग बहुत आगे निकल गए। आप कहते भी होंगे, अरे वो तो पढ़ने में मेरे से धीमा था, लेकिन फिर भी वो हमसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है और अंत में खुद को आप लाचार पा रहे हैं, खुद को कमजोर पा रहे हैं। कई बार होता है कि हम सब इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मन टूट जाता है। हम खुद को बहुत ही कमजोर और हरा हुआ महसूस करने लग जाते हैं और बहुत ही निराशा भी होती है। और निराशा क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो हम, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था। जितना हमसे होना चाहिए था उतना हमने किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, ये सारी सिचुएशन, ये सारी समस्याएं आपके भी जीवन में घटित हो रही हैं या ना भी घटित हो रही हैं, तो भी आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो कि शायद इससे पहले आपने कहीं नहीं सुनी हों। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारी बातें आपको इन मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करेंगी। जैसे आज के समय में स्कूल हैं, वैसे पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय में हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज़्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य में वापस लौट जाते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक बलवीर नाम का शिष्य था, वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद राज्य वापस लौट जाता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने कामों में वापस लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, बलवीर और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से अच्छी नहीं थी। बलवीर के घर वालों ने भी यह सोचा था कि बलवीर आश्रम से जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आएगा तो बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन बलवीर के साथ ये सारी बातें उल्टी हो रही थी। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर तक जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी बातों में वह असफल हो जाया करता था। बलवीर एक बार एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों की भर्ती कर रहा था। बलवीर भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल में पहुँच जाता है। बलवीर जब राजा के अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत होता है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये देखकर राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो अभी। दोस्तों, इस बात से बलवीर बहुत ही निराश और हताश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई उम्मीद बची हुई थी तो वह सिर्फ यही थी। घर वापस आने के बाद उसे पड़ोसियों के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं, बलवीर तो बहुत पढ़ा लिखा है पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है, ये तो आश्रम में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहने लगते हैं कि इसमें सोचने समझने की शक्ति कम है, इसलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस बात से बलवीर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इस प्रकार की परेशानियों से एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी समस्या एक दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, बलवीर तुम एक बार फिर अपने आश्रम में गुरुजी से मिलने जाओ और तुम उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ, वो तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। बलवीर पहले तो हिचकता है कि आश्रम में गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे तैसे वह हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहीं पर उसे वही पुराने गुरुजी मिलते हैं जिन्होंने बलवीर को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चले थे। बलवीर उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरु बिल्कुल शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं। बलवीर कहता है, हे गुरुवर, मैं कहीं भी जाता हूँ तो असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता हूँ।
मैंने अपना अध्ययन तो बहुत अच्छे से किया, फिर भी मैं असफल हो जा रहा हूँ, खुद को लाचार पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में तमाम तरीके के नकारात्मक विचार स्थान ले रहे हैं। बलवीर की बातें सुनकर गुरुजी कहते हैं, बलवीर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वह जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, ये जानते हुए कि यह शेर का बच्चा है, उस चरवाहे ने उस शेर के बच्चे को उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के बच्चों के साथ ही खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह ही बोलता, अपने आप को भेड़ ही समझता था। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड में हमला कर दिया, सभी भेड़ें दौड़ने लगी। शेर का वह बच्चा भी डरते कांपते भेड़ों की तरह ही भेड़ों के झुंड की तरफ भागने लगा। अब वह बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वह भेड़ों के साथ ही भागते जा रहा था। दौड़ते हुए शेर के बच्चे को, जो कि अब बड़ा हो गया था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते देख हमलावर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू डरता क्यों है, तू तो शेर है। दूसरा शेर जब भेड़ों के झुंड से भाग रहा था, वह कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से तो सभी जानवर कांपते हैं, मैं तो घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। इस प्रकार हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहता है, देख तेरा चेहरा मेरे जैसा ही है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है, शेर है। मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज़ से तो कोई डरता भी नहीं है। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज़ से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन तू खुद को शेर समझ लेगा, उस दिन तेरे से सब डरेंगे। बस तू खुद के अंदर की शक्ति को पहचान, तुझे महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मेरे पास भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन तेरे मन में ये विचार आ गया, उसी दिन से तू किसी से नहीं डरेगा। तू डर इसलिए रहा है, या यूं कहें कि डर कर इसलिए भाग रहा था, क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। जब तक तू खुद को भेड़ समझेगा, तब तक तू खुद भागता रहेगा, क्योंकि बचपन से ही तू खुद को भेड़ समझते हुए आ रहा था और खुद को भेड़ समझने लग गया था, इसलिए तू डर के भाग रहा था, क्योंकि बचपन से लोगों ने तुझे भेड़ ही समझा है, किसी ने तुझे शेर कहकर पुकारा ही नहीं, इसलिए तू खुद को भेड़ समझने लगा। गुरु ने कहा, बलवीर तुम्हारी भी जिंदगी में यही हो रहा है, तुम्हारे पास सारी योग्यता है, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई तुम्हें प्रोत्साहित ही नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें बस अपनी नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। लोग तुमसे बस यही कह रहे हैं, बलवीर ने पढ़ा नहीं, बलवीर योग्य नहीं है, इसलिए उसे कहीं पर भी काम या नौकरी नहीं मिल रही है। तुम्हारे चाहने वाले, पास पड़ोस वाले असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिए हैं। बचपन से ही वो लोग तुम्हें अयोग्य बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं। इससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। तुम कैद हो गए हो, तुम खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य असफल बोला जाएगा तो उसका दिमाग भी सच में अयोग्य असफल हो जाता है। वो खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। बलवीर चारों तरफ तुम्हें बस नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। वो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल ना हो और तुम भेड़ की तरह ही बने रहो। वे लोग तुम्हें भेड़ की तरह ही पालना चाहते हैं। उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अर्थात उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में आगे निकल जाओगे। अगर जिंदगी में कोई व्यक्ति आगे निकलता है तो सबसे पहले पास पड़ोसियों को ही दुख तकलीफ होती है। सफल होने से पहले तुम खुद के अंदर बदलाव लाओ, खुद को शेर की तरह समझने का प्रयास करो। जिस दिन तुम खुद को शेर और योग्य समझने लगे, तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा, तो तुम खुद ही सफल हो जाओगे।
गुरु कहते हैं, बलवीर अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, तू गधा है, तू पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये सभी बातें उसे भेड़ बना देंगी, क्योंकि वह बचपन से ही खुद को भेड़ समझने लग जाता है। यहाँ भेड़ से तात्पर्य यह है कि वह खुद को कमजोर और लाचार समझने लग जाता है। उसे लगता है कि वह जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। लोग उसे खुद कमजोर बना देते हैं, लेकिन अगर उसके दिमाग में बचपन से ही बोला जाए कि तू शेर है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से ही यह सब विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं, तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके दिमाग में बस गया है कि वो सफल हो जाएगा। उसके दिमाग में ये सभी बातें बैठ जाती हैं, फिर ये ब्रह्मांड उसे सफल बनाता है। बच्चा जब 7 साल का होता है तो लोग जो भी बोलते हैं उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, वह ये सब बातें बहुत ही अच्छी तरह से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं कि अगर उस 7 साल के बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच और उसके बारे में अच्छा बोला जाए और उससे भी अच्छा कहा जाए, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत हिम्मत है, और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दे जाएं, तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, और ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी गधा क्यों ना हो, हमें उसे कभी भी गधा या कमजोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर या लाचार बोलते हैं तो वह सच में खुद को कमजोर और लाचार समझने लग जाता है। वो समझने लगता है कि वो सच में कमजोर है। उसका दिमाग खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है वो वास्तव में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उसे बोला जा रहा है, तू यह है, तू वह है, तू यह नहीं कर सकता, तू वह नहीं कर सकता। ये तमाम विचार उसके दिमाग में बैठ जाते हैं। इस विचार से वो जिंदगी में सोच नहीं पाएगा, वो भेड़ ही बन जाएगा। लेकिन वही उसके दिमाग में बचपन से ही अच्छे विचार डाले जाएं, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो आगे चलकर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। बलवीर, बचपन में तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से ही लोग तुम्हारे दिमाग में यही सब नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिससे कि बड़े होकर भी तुम सब यही सोच रहे हो। तुम बिना डरे हुए खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरो। जब तुम खुद सकारात्मक ऊर्जाओं से भर दोगे तो फिर तुम अपने आप सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु कहते हैं, कहीं पर जाने से और कुछ भी करने से पहले अपने मन को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो। तुम्हें असफलता और नकारात्मक विचारों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब भी सुबह उठो और जब रात को सोने जाओ, तब महसूस करो कि हम भी कर सकते हैं, हम असफल नहीं होंगे, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी हिम्मत है। खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। इसके बाद धीरे धीरे तुम खुद को महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे लिए भी सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं, बलवीर तुम ये काम आज से ही शुरू कर दो। अगर ये काम तुम आज से ही शुरू कर देते हो तो तुम्हें भी बहुत जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। बलवीर अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करके एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से वापस अपने घर आ जाता है। 2 महीने के अभ्यास के साथ सबसे पहले वो अपने अंदर के डर को खत्म करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और बोलते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसके लिए जो राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, वह ठीक 5 दिन बाद राजा की सेना में भर्ती के लिए महल आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद बलवीर अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के राजमहल पहुंच जाता है। राजा के सैनिक इस बार उसे देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रतिभा, सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी। वह अब पहले की तरह डर नहीं रहा था।
इस बार बलवीर अपनी सभी परीक्षा पास हो जाता है। राजा की सेना में वह भर्ती हो जाता है। जब बलवीर के घर वालों को यह बात पता चली तो वे सब बहुत खुश हो गए। दोस्तों, गुरु के माध्यम से आज हमें ऐसी बात पता चली जो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप पहली बार हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।